अस्सलामु अलैकुम डियर आर्टिस्ट, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सो आज जो हमने पेज करना है वो पेज नंबर है 29। पेज नंबर 29 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है बिल्कुल लास्ट में एरोप्लेन जो है वो हमने एक पेपर से बनाया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, एक पेपर लेंगे और पेपर लेने के बाद उसको हाफ जो है फोल्ड करेंगे। पहले तो मैंने ये पेपर लिया, ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, हम छोटे साइज़ का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको हाफ जो है कट कर देंगे। सो जब भी आपको जो है इस स्क्वायर शेप चाहिए होती है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे जो है स्क्वायर शेप के लिए, आप इसको इस तरह से फोल्ड करें, ठीक है, और ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और ये आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर शेप आ गई, ठीक है। अब आपकी जो ये शेप होगी उसके फोर साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। जिस तरह से हमें तो छोटी शेप चाहिए इसके लिए, तो हम इसको हाफ कट करके उसकी छोटी शेप जो है वो ले सकते हैं, कि हमें स्मॉल शेप चाहिए ना, हमें छोटा काम करना है इसलिए। सो ये मैंने हाफ कट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या करना है, ये मैंने एक हाफ लिया और मैंने इस हाफ को अब ये करना है कि मैंने इसकी साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर पेपर ले लिया जिसकी चार साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे फर्स्ट स्टेप में जो है सबसे पहले हम इसे हाफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टर्न करेंगे, ठीक है। इस तरह फोल्ड किया हमने इसको हाफ, फोल्ड करने के बाद अब क्या करना है, हमने इसे खोलना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी दोनों साइड जो देख रहे हैं आप यहाँ पर सेकंड में मिडिल तक ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया हमने किस तरह से फोल्ड किया। उसके बाद हमारे थर्ड पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, इसको एक और फोल्ड करना है, ठीक है। आपके यहाँ पर लाइंस नजर आ रही हैं इस तरह से, ठीक है, हम इसे ऐसे रखिए और इस तरह फोल्ड करेंगे, इसे एक और फोल्ड पे लेकर आएंगे लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फोर्थ स्टेप सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो हमने क्या करना है, ऊपर से थोड़ी सी साइड जो है इसको हम इसको हाफ इस तरह से थोड़ा सा साइड लेके इसको उसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब हमको हमने फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर सिक्स, उसमें हमने ये करना है कि हमने इसको इस तरह से मिडल से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये आप हमारा ये वाला पार्ट देख सकते हैं कि पार्ट नंबर सिक्स जो है वो यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमने इसको यहाँ तक इस तरह से फोल्ड किया था, थोड़ा साइड ऊपर से इसकी फोल्ड की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है, अब हमने क्या करना है, इसको ये लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन तक हमने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। एक लाइन है यहाँ तक, ठीक है, उस तक हमने इसको फोल्ड कर देना है, मीन्स कि यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से भी दोनों साइड से जब यहाँ तक उसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारी ये वाली शेप जो लास्ट में है वो बन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ तक, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल हों, ये देखिए दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं। और अब जो है इसे हम थोड़ा सा खोलेंगे। सो ये हमारा एरोप्लेन यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, इसे कहते हैं ओरिगेमी आर्ट, ठीक है। यानी कि जो हम पेपर से चीज़ें मेक करते हैं, इस तरह से हम पेपर से फ्लावर बनाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ पेपर से हम पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो पेपर से ही कंप्यूटर पेपर से बनता है। सो इंशाल्लाह कभी हम नेक्स्ट टाइम वो भी ट्राई करेंगे, और आप लोग भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।